नमस्कार, इंडिटैप न्यूज में आपका स्वागत है। राज्य सूचना आयुक्त ने यू पर लगाया अर्थदंड। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मनोज राय हंस वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बलिया के यू पर अर्थदंड लगाए। मनोज राय हंस ने कहा कि आप लोग खुद सुनिए उनकी जुबानी। अधिकारी पे 15,000 रुपये का अर्थदंड माननीय राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाया गया है। अर्थदंड लगाने का कारण है कि मैंने इनसे कूड़ा निस्तारण प्लांट के संबंध में 8 बिंदु की सूचना मांगी थी और ये मुझे आधी अधूरी सूचना उपलब्ध कराए, जिसके अंतर्गत मुझे यह केवल बताया गया कि 7 किसानों की जमीन ली गई है, अधिग्रहण की गई है, लेकिन उनको कितना पैसा दिया गया है ये नहीं बताया गया। शासन से कूड़ा निस्तारण प्लांट निर्माण हेतु कितना धन आया है और कितना धन खर्च हुआ है इसके बारे में भी नहीं बताया गया। यह भी नहीं बताया गया कि कितना कार्य पूर्ण हुआ है और कितना कार्य अवशेष है, और यह भी मुझे नहीं बताया गया कि कार्य अपूर्ण होने का कारण क्या है। चूँकि शासन से धन आया है तो कार्य होना चाहिए। आज नगर क्षेत्र के अंदर गंगा स्नान मार्ग है, जिस मार्ग पर आप जा करके देखिए चलने लायक स्थिति नहीं है। लगभग 3 किलोमीटर तक महावीर घाट से दक्षिण तरफ अगर आप जा रहे हैं तो बदबू सड़क के दोनों तरफ सारा नगर पालिका का कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे बदबू आ रहा है और स्नान करने वाले जाने लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह सूचना मैंने इसी उद्देश्य से मांगी थी कि अगर आज कूड़ा निस्तारण प्लांट बलिया नगर क्षेत्र के अंदर बन गया होता तो आज उस प्लांट से बिजली का उत्पादन होता और खाद का निर्माण होता जो किसानों के खेतों को जाता और लोगों के घरों में बिजली उससे भेजी जाती। लेकिन ये नगर पालिका के लोग ये सूचना भी नहीं दिए और उसका निर्माण भी नहीं किए, और आज नगर क्षेत्र के अंदर कूड़ा चारों तरफ सड़कों पे, चौराहों पे, गलियों में, जो सैनिटरी गलियां हैं उसमें डंप किया गया है कूड़ा। इसी उद्देश्य से लेकर जब सूचना नहीं दिए तो मैंने राज्य सूचना आयोग का दरवाज़ा खटखटाया और राज्य सूचना आयोग ने इनके खिलाफ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को कई अवसर देने के बाद 15,000 रुपया का अर्थदंड लगाया। और मामला यही समाप्त नहीं होता है। यो नगर पालिका ये समझते हैं कि अर्थदंड लगवा लिए तो ये मामला समाप्त हो गया, अब कूड़ा निस्तारण प्लांट मैं बनाऊं चाहे ना बनाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं कूड़ा निस्तारण प्लांट की सूचना लेने के लिए आगे मैं हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के वकीलों से राय ले रहा हूं और ज़रूरत पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाऊंगा और कूड़ा निस्तारण प्लांट बनवाने की भरपूर कोशिश जितनी हो सकती है उतना मैं करूँगा।